सैटरडे को हमारे जो थकर कॉलोनी है नाहरलगन पर, वहाँ पर क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ था। ड्यूरिंग क्लीनलीनेस ड्राइव पता चला कि वहाँ पर बहुत ही रैम्पेंट पोल्यूशन हो रहा है। पूरा नाला भी ब्लॉक हो गया, वहाँ का जो मेन नाला है वहाँ पर ना सेप्टिक टैंक है और ओपन डेफिकेशन भी हो रहा है सर। ऐसे डीसी आप ये कैसे इंश्योर करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर सर? ये तो आपने जो बोला है ये पब्लिक का क्वेश्चन ही है, क्योंकि पब्लिक इस बात को लेके काफ़ी चिंतित है। उसको लेके हाईएस्ट लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का साथ भी मीटिंग हुआ है। तो अभी वन ऑफ द इश्यूज तो यही है, आपने जो बात कही है। तो आपका इस चैनल का माध्यम से हम पब्लिक को अपील करेंगे कि आपका अपना कॉलोनी, अपना नदी नाला ब्रिज का नीचे में बस करके और कूड़ा को उधर नहीं फेंकना चाहिए। और ओपन डिफिकेसी तो कम्प्लीटली और तो बैन करके रखा है। तो आपका इस चैनल का डिस्कशन में जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी इस प्रकार का गंदगी फैलाने की कोशिश करेगा, अभी हाईएस्ट लेवल में रिव्यू मीटिंग हर महीना में होता है, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन को लेके, सड़क को लेके, तो ये गंदगी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन रहा। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है उसको हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट अथॉरिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि पर्सनली वो जाके गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में जाके चेक करे कि जो उनका जो म्यूनिसिपल का जो स्टाफ है वो सचमुच का इस प्रकार का जो गंदगी है, गार्बेज है, जो डंप करके रखता है उसको उठाता है कि नहीं। पर्सनली मॉनिटर, फिजिकली मॉनिटर करने के लिए हम लोग का सामने में कहाँ है। तो अभी हम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो लोग अपना अपना ज्यूरिडिक्शन में इस प्रकार का ओपन डिफिकेसी और जो भी इस प्रकार का नदी नाला में जो गंदगी फैलाता है उसको, ऐसे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कुछ नोटिफिकेशन भी है फाइन का इम्पोज करने का, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा साइड से भी अभी इसका ऊपर में कार्रवाई करेगा जो सीओ बंदरदुआ है, ईएसी सीओ नाहरलगन, ईएसी सीओ ईटानगर से में ये काम करने को कहेंगे। जो ओपन डिफिकेसी है उनको तो जो प्रोविजंस है सीआरपीसी में उसका ऊपर में इन्वोक करके एक्शन लेना है। सर ये हमने जब वहाँ तकर कॉलोनी के आदमी लोग को इंटरव्यू किया, वो लोगों ने कहा कि ऐसा सिचुएशन तकर कॉलोनी में बहुत समय से चल रहा है, एज लॉन्ग एज दे कैन रिमेंबर, मे बी बैक टू 5 years, ऐसे ऐसे जब से वो लोग हो रहा है तब से ही ऐसा हो रहा है। आपके जहन में नहीं आया था ये सर? इसमें वहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है, वार्ड मेंबर होता है, और उन लोगों को हमारा अपील है पब्लिक जो इस प्रकार का आप लोगों से जो बात होता है वो वार्ड मेंबर से बात करें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर से बात करें। और नहीं होता है, मेरा नंबर है 9436041997, हमेशा मैं मीडिया में मेरा नंबर को शेयर करता हूँ, आप उनको अपलोड कीजिए, आपका नाम को सीक्रेट रखेगा। और जो इंसान जो है कूड़ा को नाला में फेंकता है, नदी में फेंकता है या सड़क पे फेंकता है,
या ड्रेन में फेंकता है तो उनको पोतों का साथ में एड्रेस का साथ में भेज दीजिए, उसका ऊपर में आप देखिए कार्रवाई होता है कि नहीं होता है, और मैं आपका नाम को सीक्रेट रखूँगा। सर आप कह रहे थे कि जो सेप्टिक टैंक का लास्ट समय हम लोगों ने जो मेयर सर है उससे हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तो बोला कि सेप्टिक टैंक का जो फंडिंग है वो थोड़ा समय लगेगा, अभी वो बिल जो सेंटर में प्रपोज होने जा रहा है आते आते तो सेप्टिक टैंक जो है एक म्यूनिसिपल जो है ऑलरेडी एक कॉमन एक बड़ा सेप्टिक टैंक बन रहा है, उसको लेके हमारा जो कमिश्नर यूडी अनाउंसिंग जो है यूएलबी सेंसर ने जब आया है तब बहुत दिन से काम रुका हुआ था, तो कमिश्नर साहब ने हम लोग को लेके घुमा के फिर उसको नाहरलगुन कास करके तो फिर काम को अभी टेकअप हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे बताया कि थोड़ा से लोग ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, तो एक चिट्ठी मिला था, तो हमने अपना ईएससी नाहरलगुन को कन्वे कर दिया है, तो पूरा एग्जामिन करना है और काम को रोकना नहीं है। तो ये सेप्टिक टैंक जो है अभी देखिए गवर्नमेंट का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका तो सेप्टिक टैंक बनता है, लेकिन पब्लिक का सेप्टिक टैंक के लिए पब्लिक अपना से बनाना होता है। तो अभी ओपन डिफिकेसी जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। मैं 2 साल पहले हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है उनको बोला था कि ऑफिसर को जो ओपन डिफिकेसी हो रहा है उनका लीज को पनिश किया जाए हमको, तो अगर लीज को पनिश करता है तो उसको नोटिस देगा और उसको बंद करेगा, जो भी एक्शन लेना है लिया जाएगा। तो ओपन डिफिकेसी को भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर लोग और वार्ड मेंबर लोग अगर सचमुच का ओपन डिफिकेसी को हटाना है तो 2 दिन का काम होता है, आप हमको लिस्ट दे दीजिए, मैं उनको नोटिस सर्व करूँगा और कंडीशनल ऑर्डर बना के अगर नहीं मानता है तो अरेस्ट भी करूँगा, और ओपन डिफिकेसी जो हुआ है जो टॉयलेट वगैरह है मैं तोड़ के फेंक दूँगा, ये जस्ट 2 दिन का काम होता है। सर यहाँ पर बहुत समय से ऐसा ही स्टेटस है बोला था कॉलोनी के आदमी लोग, तो अभी अब आपको ये इशू के बारे में पता चल गया है तो आप क्या म्यूनिसिपल काउंसिल को कुछ लेटर्स देंगे कुछ? देखिए मुझे मैं अभी आपको जैसे बता रहा था कि मैं फिजिकली जाके देखने का वाकई मुझे पता चलेगा ना, तो आप जो इंफॉर्मेशन देगा हम गलत है नहीं बोलेगा, लेकिन खुद जाके एक बार देख लेता है तो पता चलेगा कि उसको किस प्रकार से सॉल्यूशन ढूंढना है। तो वहाँ में जरूर वार्ड मेंबर होता होगा, वार्ड मेंबर लोगों को ये चैनल का माध्यम से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे है जो आप कर सकता है करिए, और जो आप नहीं कर सकता है मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा। सर वहाँ के आदमी लोगों का एक कंसर्न था वहाँ के जो रास्ते है, वहाँ का टाउन प्लानिंग जो थोड़ा सा गड़बड़ है सर, जो गाड़ी ऊपर सुबह सुबह म्यूनिसिपल काउंसिल का जो गाड़ी गार्बेज ट्रक कलेक्ट करने के लिए आते हैं वो घर घर तक नहीं पहुँच सकते। देखो सड़क का बात को लेके टाउन प्लानिंग क्या करेंगे, टाउन प्लानिंग तो जो परमिशन मांगेगा देगा, और वो परमिशन को इस हिसाब से देगा कि एटलीस्ट फायर सर्विस जो है फायर टेंडर जो है इमरजेंसी में आ सकना है, और जो भी गाड़ी वहाँ में चलता है तो उन लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, नाला के लिए स्पेस होना चाहिए, एसेंशियल सर्विस के लिए जो पानी का लाइन है पोल है सब के लिए स्पेस होना चाहिए। लेकिन ये तो PWD या UD या जो भी कंस्ट्रक्शन एजेंसी जब काम करता है उस समय में देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ में जगह जरूरी है। हमको नहीं लगता है कि आप कौन से जगह का बारे में बात कर रहे हैं, साइड जहाँ में अंदर में कॉलोनी वगैरह है वहाँ में एक्चुअली पहले कोई सड़क है नहीं है, उसमें पब्लिक सड़क है नहीं है, तो अपना आपसे सब लोग सड़क छोटा छोटा सड़क बना के रखा है, ये सिर्फ नहीं है सारा कैपिटल रीजन में
बहुत से इस प्रकार से हिफाजत और अनप्लांट ये टाउन और मार्केट और बिल्डिंग आ गया है, तो इसको लेके हमने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर को ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है कि वो सब को घूम घूम के जो कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन का मुताबिक से नहीं होता है उसको रोकने के लिए बोला है। इसके अलावा जो मेन रोड है, हाईवे वगैरह जो बड़ा बड़ा सेक्टर रोड है, जो पहले घर बन गया है उसका तो कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन अभी जो नया घर बना रहा है वो अपना पार्किंग स्पेस निकलना है और अपना एलोटेड जगह से, और जो बिल्डिंग बना रहा है उसका ग्राउंड फ्लोर नहीं तो बेस फ्लोर में उनका पार्किंग होना चाहिए, तब जाके वो कंस्ट्रक्शन को एलो करना है। इस प्रकार का हमने डायरेक्शन दिया है और पब्लिक भी कोऑपरेट कीजिए और जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो भी कोऑपरेट कीजिए। नॉन कोऑपरेशन करने से तो हम लोग को कानून को लगाना होता है, तो फिर बोलना नहीं है कि गलत है। सर अभी आपने कहा अभी तक वो लोकेशन पर आप नहीं विजिट कर पाए, तो आप खुद से जाके देखेंगे तभी पता चलेगा सर। आप कभी विजिट करेंगे सर? जरूर विजिट करेंगे, मैं तो अभी भी जाने के लिए तैयार है, तो आप तो लेके दिखाना पड़ेगा ना, हम कैसे दिखेगा जी? जी आप दिखाएगा तो दिखेगा। ठीक है।